वाकई में हम लेक व्यू पार्क में आ गए। अब हम दिखा, ये इस्लामाबाद बहुत मशहूर है, ठीक है, और सुना ये बहुत खूबसूरत है। अंदर जाके देखेंगे इसमें क्या क्या है, क्योंकि यहाँ इसकी टिकट भी है, कितने की टिकट है वो आप, हम आगे चलते हैं और बताएगा मुक्ता भाई, इस बारे में कुछ बताएगा। आप यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर जू भी है, चिड़ियाघर भी है, और यहाँ पर मास्टर रावल लेक भी है, आगे दरिया भी है, और तो बोटिंग भी चलती है। बोटिंग भी है भाई, बोटिंग नहीं सही, बोटिंग 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 भी है भाई। तो अगर मेरा वजन संभाल लिया तो हम बोट पर जरूर बैठेंगे, वरना फुरका में कैसे बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है भाई। हाँ ठीक है, टिकट सिस्टम है यहाँ पे, टिकट है यहाँ पे, जूस आइसक्रीम आइसक्रीम टोपिया कैप वैप सब मिलेगा, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, कराची में सब मिलता है। तो ये टिकट है, टिकट कितने की है हमें देखते हैं, टिकट यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ मास्क के बगैर अलाउड नहीं है, मास्क ज़रूरी है, मास्क आप ज़रूर यहाँ पे लेके आए, और आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा महंगा मिलेगा, आप देखिए पहले से प्लान करके आए, मास्क अपना लेके आए, ठीक है। टिकट कितने की फुकाम है यहाँ पर, 20 रुपये की, 20 रुपये की टिकट है भाई, सिर्फ 20 रुपये की टिकट, 20 रुपये में है। इस्लामाबाद घूमे, इस्लामाबाद की बेस्ट पॉइंट्स घूमे आप, तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है, पैसे समझो इतने नहीं है, कराची हर जगह बहुत ज़्यादा पैसे निकले, यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं है। थैंक यू। अब हम अंदर आ चुके हैं, हम अंदर के नज़ारे दिखाते हैं, घोड़े वाले भी हैं भाई यहाँ पे, घोड़े वाले भी हैं, मगर मैं फ़ायदा नहीं है घोड़े वालों का, मुझे तो बैठाएंगे नहीं, ना बच्चों में बैठाते थे, मगर आपको बैठा लेंगे घोड़े वाले, शायद बैठा लेंगे, आपको नहीं बैठना, अरे फंगे बैठे, आपकी हाइट भी माशा से ज़बरदस्त है यार, अब ऊँट पे बैठेंगे, ऊँट वाले, ये भाई बनका वगैरह भी है, तो आप कुछ खाना तो आप खा सकते हैं, ये कोशिश ये करें कि आप यही आप खाएं जो घर से लेके आए अपना, या कोई खाएं तो अच्छा खाएं, पेट वेट अगर सफ़र में अगर पेट वगैरह ख़राब हो जाए तो बंदे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये लेकिन ये खाने पीने की फैसिलिटी सब यहाँ पे है, घोड़े वाले हैं, आगे आगे झोले वोले भी हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एटमोसफियर है, मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और ये बर्ड पार्क है, वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, देखें परिंदों का बहुत ही अच्छा बना हुआ है, हर किस्म के परिंदे वगैरह यहाँ पे अंदर हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नज़ारे देखें, मौसम यहाँ का भाई बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, आप देख सकते हैं खाली यार मौसम यहाँ का भाई बहुत प्यारा है, और हल्की हल्की धूप है, हल्की ठंडक है, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है, ये देखें हर किस्म की बर्ड्स यहाँ पे होंगी, अंदर हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, यहाँ का पूरा ओवरव्यू आपको दिखाएंगे, खाने पीने की फैसिलिटी भी यहाँ पे है, यहाँ पे बिरयानी बनका वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आइसक्रीम वगैरह आपको मिल जाएगा, तो दरख्त माशाल्लाह दरख्त वगैरह है यहाँ पे। हम फरकान में बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, आप ये देख रहे हैं पूरी ग्रीनरी है माशाल्लाह, लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद का दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, जो सबसे खूबसूरत पार्क है ये, और बहुत ही बड़ा पार्क है ये, ठीक है ना, यहाँ पर आपको खाने की फैसिलिटी, टॉयलेट भी है, टॉयलेट भी है भाई, टॉयलेट सबसे बड़ी बात टॉयलेट है भाई, कराची में आपको टॉयलेट मिल जाए, जू में चल जाए तो आप बताएं, अगर मिल भी जाए तो आपको पता है कैसा होता है, कैसा होता कि वहाँ पे पार्टी नहीं पोटी होती है, पोटी यहाँ पे हम जाके बताएं, मैं दिखाऊंगा भाई आपको यहाँ के टॉयलेट भी दिखाऊंगा कि साफ है या यहाँ पे पोटी भरी हुई है, तो ये भी दिखाऊंगा आपको। और खाने पीना है यहाँ पे, आगे की तरफ आप जाएंगे बोटिंग होती है, बोटिंग होती है यहाँ पर, बोटिंग 40 का आइडिया आपको भी यहाँ पर है, 800,000 रुपये, 800,000 रुपये की बोटिंग है, बोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम बोटिंग नहीं करेंगे, ओके भाई, हमारा बजट ट्रैवल बजट जमा लग जाएगा, हमारा मकसद ये है कि आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें, हम बताएँ कि आप इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं तो कहाँ कहाँ आप जाएँ, कहाँ पर सस्ती जगह पर आप आ सकते हैं, क्या चीज़ है सर, वाटर बोर्ड का क्या रेट है सर बताएगा, सर इसमें हाफ राउंड भी है, फुल राउंड भी है, हाफ राउंड 500 का है, फुल राउंड 1,000 रुपये का है, और ये क्या जिसके आइलैंड है, और ये 4,000 रुपये सर, इंशाल्लाह वो तो देखें व्यू कर लें दोनों, नहीं अभी तो फिलहाल हम थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आप हम आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बता दें, ठीक, थैंक यू, इंशाल्लाह।
पार्क माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपको भाई कराची में ऐसा पार्क नहीं मिलेगा। लाहौर का मुझे नहीं पता, मैं लाहौर में ऐसा पार्क है, लाहौर में भी ऐसा पार्क है, लाहौर लेकिन ये इस्लामाबाद का टक्कर बहुत ज़बरदस्त है, कैपिटल है हमारे सिटी का, और ये बहुत अच्छा पार्क है, मज़ा भी आएगा आपको इधर। ये देखें खाली ट्रैकिंग देखें भाई, बेस्ट है बेस्ट, यहाँ पे लोग भी स्टैंडर्ड के लोग हैं भाई, यही ना स्टैंडर्ड के लोग हैं, बड़ा खूबसूरत था अंदर को। ये क्या है यहाँ में, यहाँ पे ये क्या है, जंगल है बस, जंगल है, अच्छा ठीक है। लेकिन बड़ा डेकोरेट कितना जबरदस्त किया हुआ है यार, ये आप देखें यार कि इंटीरियर देखें यार, तरीका देखें तरीको, एक सोच की तरह ये डिज़ाइनिंग जो होती है ना, डिज़ाइनिंग की हुई है तो उस हिसाब से पार्क पूरा डिज़ाइन हुआ है, यहाँ की तरह नहीं। आप कराची वगैरह में देखें तो लोहे के वाले ग्रिल वगैरह लगी हुई है, क्या बोलते हैं, ये रोए की सब वो चीज़ें, हर चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन हुई है। मस्जिद भी यहाँ पर, ये लिया बोर्ड नज़र आ रहा है, मस्जिद भी यहाँ पर है, और ये गेटा वाले कोई भाई हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, या वो एंटरटेन कर रहे हैं या वो शौके आए हुए हैं पता नहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर, बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर। आप लोग यहाँ ज़रूर आएगा, सिर्फ BS सुपर टिकट है यहाँ की, आप लोग खाली उसको टैक्सी वाले को देने पड़ेंगे, और उबर वगैरह कर लें, या टैक्सी वाले भी यहाँ पे नाजायज़ पैसे नहीं ले रहे, क्या बोल रहे हैं, जायज़ पैसे ले रहे हैं, जायज़ पैसे, बिल्कुल जायज़ पैसे ले रहे हैं, 200 रुपये 300 रुपये में आपको पहुँचा देंगे यहाँ पे। कराची का नहीं है कि आपका 100 रुपये का रास्ता आपसे 500 रुपये मांग रहे हैं, या आपकी कोई मजबूरी देख के आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या भाई आपको एक टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। जो भी हमें शुरू से लोग मिले हैं, हमें सही मिले, बेहतरीन मिले, बेहतरीन लोग मिले। हमारा तो एक्सपीरियंस ये है, आप जब आते हैं आपने नहीं पता लगे, हमारा एक्सपीरियंस ये है भाई, बच के रहेगा, होशियार रहें, वो तो ज़रूरी है। अभी हम जो जा रहे हैं ना, अभी हम जो जा रहे हैं रावल लेक पे जा रहे हैं, लेक है या बोटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भाई लोग दरख के नीचे जो ठंडक मिल रही है ना, ठंडक जो सुकून मिल रहा है, वो आप मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको बता नहीं सकता कि क्या सुकून मिल रहा है भाई, बहुत सुकून है, बहुत ही सुकून मिलने वाला, ठंडक एक एहसास है, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कराची में। बंदे बहरिया टाउन वगैरह बन गया है, खूबसूरत बन गया, लेकिन वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे भी इतना वो चीज़ नहीं मिली जो यहाँ पे है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से एनवायरनमेंट है यहाँ का, और यहाँ पे फोटोग्राफी खिंचानी है अगर आपको तो वही देते थे पुराने ज़माने में, तो पोलराइड कैमरा होते थे, ऐसे भाई साहब वगैरह भी गिटार लेके आए हैं, जिसको फोटोग्राफी करवानी है या कुछ करना है तो वो फैसिलिटी भी है। पुराने दिन याद आ गए जब हम कायदे के मज़ार पर जाके फोटोग्राफी करवाते थे। अब ये ही वही सीन यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, पहले गिटार नहीं होता था, अब गिटार आ गया भाई। पोलराइड कैमरा की फोटोग्राफी और गिटार, चल मेरे यार हम करवाएंगे सफ़र आपको इस्लामाबाद का व्यू, कौन सा पार्क मैं भूल जाता हूँ, खान खान भाई लेक व्यू पार्क का हम आते हैं आपको, लेक व्यू पार्क, ये देखें भाई नज़ारे आप देख सकते हैं, क्या प्यारे नज़ारे हैं, देख ले भाई। और बताएं मज़ा आ रहा है आप लोगों को, भाई देख लें क्या है, बहुत मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे हैं। हम ऊपर अभी जाते हैं, वहाँ से देखते हैं लेक की क्या है, ऊपर के नज़ारे क्या हैं, वहाँ से आप बताता हूँ। ये आ गया हमारा पानी, समुंदर नहीं सॉरी लेक आ गया, दरिया आ गया, और ये लोग कर रहे हैं बोटिंग वगैरह। बोटिंग के चार्जेस में आपको दिखाए थे 500 से लेके 2000 तक है, डिफरेंट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमने फिलहाल बोटिंग नहीं की है, लेकिन आप अगर यहाँ पे आए तो आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। हाँ अभी आगे ऊपर चलते हैं, ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं आपको क्या है। चले भाई वाह माशाल्लाह, बच्चे वगैरह सब माशा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये देखें। और ये देखें भाई, ये है नज़ारे, ये है इस्लामाबाद, बहुत ही खूबसूरत। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, चलते हैं देखते हैं कि क्या है नीचे की तरफ, चलते हैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं आगे, बहुत खूबसूरत।
आपका फोटो क्या करते हैं? थैंक यू। ये आप क्या करते हैं कैमरा फोटो की कितनी होती है फोटोग्राफी? एक फोटो कितनी क्या होते हैं, कितने होते हैं? पोलराइड कैमरा है या उसका वो कैमरा है? ये DSLR फोटो है। DSLR फोटो, ठीक है, थैंक यू। नहीं 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 अभी विशाल नहीं, थैंक यू। अब मैं आप दिखाता हूँ नज़ारे दरिया के, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से है। गंदगी यहाँ पे है थोड़ी लेकिन ज़्यादा नहीं है। अरे मछलियाँ, मछली हम कूद के अरे जाल गए। अरे वाह, आप कर रहे हो? झींगा मैं नहीं, वो भाई कर रहा है। अच्छा झींगा ये कराची के झींगा है। और ये हमारे साहब है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह सर, आपका नाम क्या है? बख्तियार सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाया। मेरा यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छा। आपकी इजाज़त तो आपके दा सकता हूँ आपको, आपका मैं कार्ड भी आपको दूंगा, तो मैं आपका आपको फिर आप देख सकेंगे। ठीक है, आप कहाँ से? यहीं से इस्लामाबाद से? आप? मैं इस्लामाबाद में। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। कहाँ सीखा आपने खुद से? शौक तो मैंने पेशावर में सीखा। माशाल्लाह बहुत। मेरा नाम कामिल है, ठीक है, मैं कराची से हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम ले व्यू पार्क में, ये ट्रेन जा रही है और ये बच्चों की ट्रेनें हैं या बड़ों भी बैठ सकते हैं इसमें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है। ग्रीन या फूल देखिएगा भाई, माशाल्लाह से ग्रीन फूल वगैरह बहुत ही अच्छा। अभी हम चलेंगे यहाँ पे जो बर्ड पार्क है, अब वहाँ पे चलेंगे, अब वहाँ का रिव्यू करवाएंगे। इसकी टिकट क्या है क्या उसका नहीं पता हमें, वहीं पर हम देखेंगे टिकट कितने की है। अब दिखाएंगे, सुना है ये बहुत ही ज़बरदस्त पार्क है और वहाँ पे बर्ड्स वगैरह के हवाले से, तो अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। चलते हैं, हम आपको वहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, आ जाए। ये ट्रेन आ रही है सामने से, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और हम लोग अभी बर्ड पार्क में दाखिल हो रहे हैं।
टिकट हमने ले ली है, टिकट है 100 रुपये की है, बड़े लोग की, बच्चों के 50 है, और जो अंडर 5 ईयर्स है उनकी फ्री है। तो आप इस दिखाओ मैं आपको, ये आप देखें बोर्ड है, इनका टिकट काउंटर है, ये हमने टिकट ले लिया है, और ये एंट्री का रास्ता है। अब हम अंदर इधर जा रहे हैं, टिकट ले लिया हमने। अब आपको दिखाते हैं सपनों की दुनिया पे। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग यहाँ पे आ गए, ये देख सकते हैं भाई माशाल्लाह, ये देखो भाई बतखें, ओह हो, क्वैक 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 क्वैक। ये बड़े भाई, ये हमारी पैरट्स का ये बतखें माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं दिखा दो, आइए अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखते हैं भाई। अब दिखाता हूँ मैं आपको कि और क्या क्या बर्ड्स हैं। बर्ड्स हर दुनिया के हर बर्ड्स है भाई। अब दिखा रहा हूँ ये कौन सा है, क्या बर्ड का नाम लिखा हुआ क्या? बर्ड का नाम नहीं लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ नहीं है। ये कुछ मोर, क्या भाई किसी को मोर की भाई बहन लग रहा है कुछ मोर के लग रहा है। ये तो नाम लिखे हुए नहीं है, ये लिखे हुए होने चाहिए नाम, ऐसे दूसरी जगह नाम वगैरह लिखे होते हैं। क्वैक क्वैक क्वैक, हाँ बोला 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 बोला। ये भाई, हाँ भाई कैसे आप लोग, चाहिए और सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। ये अफ्रीकन, ये मुझे बताया कि कौन है, ये अफ्रीकन पायलट है, मेरी खाला के पास भी था। अल्लाह में उनको सेहत दे, उनकी उनके दुआ करेगा, उनकी तबीयत जो है मेरी खाला की तरह नहीं है। उनके घर में मैंने अफ्रीकन पायलट देखा था, पायलट देखा था पहली बार जब मैं छोटा था, तो इसलिए मुझे आइडिया में देख के पहचान गया हूँ। आपको दूसरा दिखा दो, दूसरे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ये तो हमारा पाकिस्तानी लाजवाब तोता भाई। अरे दूसरे दिखा दो, यहाँ पे नहीं है, ये भी पाकिस्तानी है। और सर कैसे हैं आप, कैसे हैं सर? ये भी अफ्रीकन पायरेट है, या ऑस्ट्रेलियन लग रहा है मुझे ये। हाँ ये देखिए आप थोड़ा गौर से देखो, ऑस्ट्रेलियन देखिए। और भाई आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पे जितने ही मोर वगैरह जो है वो पिंजरे में कैद नहीं है, ये भाई ये जा सकते हैं, ये रास्ता आप देख सकते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं। और ये चीज़ है माशाल्लाह, मोर भाई मोर माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर के नज़ारे करते हैं। फुरकान भाई तो ऊपर हमारे पहुँच गए, अब हम मैं भी चलता हूँ भाई, मैं भी चलता हूँ, चलो 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 फुरकान भाई मैं आ रहा हूँ। ऊपर के नज़ारे भी दिखाते हैं आपको, ऊपर से क्या है देखें भाई, बतख ऊपर बैठी हुई है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, बतख के ऊपर बैठी है। ये होता है भाई पार्क, ये परिंदे जो ना खुले घूम रहे हैं, एक बड़ा सा नेट है, देखा बड़ा सा ऊपर नेट है जिनको उनको पैक किया हुआ है, ये इस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये है कि सब खुले हैं। तो जानवरों का जो हक होता है ना, वो हक यहाँ पर अदा किया हुआ है। क्या बोलते हैं फुरकान भाई, देखा आपने कि बड़ा सा नेट लगाया हुआ है और सब परिंदे घूम फिर रहे हैं खुश, अपनी दुनिया में खुश, बहुत अच्छा। ये देखो बतख है ऊपर चढ़ी हुई है, अरे ऊपर चढ़ी कैसी समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे फुरकान भाई बतख की ना इतनी ऊपर की चढ़ी, उड़ती भी है। अच्छा भाई ये तो मुझे पहली बार आता ना, बतख उड़ती भी है, ऊपर बैठी हुई है, ऊपर बैठी हुई है, फ्लाइंग बर्ड भी तो होती है। और ये ऊपर से नीचे के नज़ारे, सारी बतखें वगैरह देखिए बेचारे घूम फिर रही हैं। ये देखें भाई, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे के दूसरे जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं कि और कौन कौन से यहाँ परिंदे हैं यहाँ पे, तो हम एक्सप्लोर करते हैं। आपको बताता हूँ मैं पूरा, ये है मोर है, बहुत ही खूबसूरत मोर है, बहुत ही खूबसूरत मोर है। ओह माशाल्लाह,
ये देखिए ये सर हुआ ना अफ्रीकन पायरेट है ना ये अफ्रीकन ये जी ये अफ्रीकन पायरेट है ना स्पेन ब्राज़ील ये अफ्रीकन अच्छा या मुझे वीडियो बना सकते हो बताएंगे आप हाथ बैठाते हैं पिक्चर लेते हैं जी 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 बना सकते हैं हाथ बैठाते हैं शोल्डर बैठाते हैं अच्छा अच्छा वो फ्री है वो अलग से ना पड़ता है अच्छा अच्छा वो उसी में टिकट में आया था मुझे ये कौन सा ये है मतलब कौन सा पायरेट है मतलब ये जो है मतलब ये कौन सा छोटा वाला जो मुझे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया है और ये जो है मतलब ये ब्राज़ील और ये ब्राज़ील ही है और ये अफ्रीकन ग्रे बहुत ही वैसे जो तो है ना मैं मुझे बहुत डर लगता है कि पायरेट को मैं सब अपने लूँ लेकिन आज मैं थोड़ी हिम्मत पकड़ रहा हूँ पायरेट को उठाऊँगा और इसने बोला कि काटेगा नहीं तो भाई उनकी बातों में भरोसा है तो फका में आप ट्राई करेंगे नहीं आप ट्राई करना कोशिश करो यार पहले आप ट्राई करें चले भाई मैं कोशिश करता हूँ और फका में वीडियो बनाएंगे हमारी हम पायरेट को उठाएंगे और कंधे में बैठाएंगे और फका में हमारी वीडियो बनाएंगे आ जा फका में हम जाएंगे पहली बार बहुत सारे लोगों के लिए ये भाई आसान चीज़ होगी ठीक है लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है मुझे लग रहा है थोड़ा डर लेकिन हमें भरोसा है अपने भाई पे कि वो हमें पायरेट हमारे खेले मिलेंगे हमारे पास बैठेंगे तो आ जाए देखने ये बहुत ही अच्छे भाई हमारे कामिन भाई कामयाब हो गए आगे अपने और ये हमारे दूसरे पायलट भाई आएंगे वो कहा ट्राई करें आता हूँ अब हमारे फुरकान भाई और है ना फुरकान भाई हमारे फुरकान भाई ट्राई करेंगे फुरकान भाई कैसा लग रहा है बहुत मसाला पूरा इसके केसेस करेगा नहीं नहीं बात सही है बहुत अच्छा भाई ये थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो है अच्छा कहाँ की वही कहाँ की है मतलब ये रशियन है ठीक है उसकी एज कितनी होगी नौ साल नाइन ईयर्स ठीक है बहुत शूटिंग इसमें इसको बच्चों के लिए ना खाली है हम तो नहीं पढ़ सकते ना थैंक यू सर ये देख ले भाई ये और ये रशियन है और इसकी घोड़ा है ना सर घोड़ा है उसकी एज है 9 ईयर्स माशाल्लाह और ये देख सकते हैं रैबिट्स फुरकान भाई ये मैं पूछा था कि रैबिट खाना जायज़ है आपने खा सकते मकड़ू है खा सकते हैं कभी ट्राई किया आपने ट्राई नहीं किया मुझे करने का नहीं चाह रहा हम लोग जो खाते वही सही हाँ वो जो खाते हैं भाई वही सही है लेकिन ये रैबिट भी हैं यहाँ पे बतखें वगैरह भी हैं और आगे चलते हैं अभी अब आ गया उल्लू ये उल्लू उल्लू ये इतना मोटा उल्लू ये मुझे उल्लू लग नहीं रहा उसका तो बाप लग रहा मुझे उल्लू का अब्बा है लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है हाँ आपने देखा उल्लू मैंने कभी नहीं देखा भाई हम लोग चील की जैसे लग रही है उल्लू नहीं लग रहा ये उल्लू नहीं लग रहा मुझे चील लग रही है लिया हुआ उल्लू होगा उल्लू अब ये देख बहुत ही प्यारे प्यारे मसाले होते हैं यहाँ पे पैरेट्स बहुत ही प्यारे हैं ये
हेलो हेलो, कैसे हो आप? हेलो ये कोई मोर है, देख सकते हैं। लेक है, बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ का, देखते हैं। और हाँ अच्छा, वहाँ दिखाता हूँ, ये शतुरमुख, यहाँ पे देखें, ये भी वो है शतुरमुख, देख रहे हैं, वो भी है शतुरमुख। और ये बहुत लंबा है, ये बहुत बड़ा है। हम पूरा कोशिश में करेंगे हम पूरा आपको एक्सप्लोर करें, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो ये है कि हम आपको हर चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन ये जितने पॉसिबल हो सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो बत्तख है आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी बत्तख लग रही है मुझे, मैं इसके करीब जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बत्तख माशाल्लाह बहुत प्यारी कलर, ये देखें यार, ये देखें माशाल्लाह, बत्तख बहुत ही प्यारी बत्तख लग रही है मुझे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बत्तख है। और ये हमारे भाइयों, देखिए रास्ता खुला हुआ है, वो कैद नहीं किया हुआ, रास्ता खुला हुआ है। और ये है ईगल, ये देखें भाई, अगर ये इसका होता कि भाई आप के ईगल को आप ट्राई करो हाथों से बैठाओ, तो भाई आपको बताऊं कि मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला था, वो क्या भाई मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। और उन्होंने शायद इसीलिए उन्होंने वो भी नहीं किया, इसका वो भी नहीं, इन्होंने ऑफर भी इन्होंने नहीं किया, ये सेटअप भी नहीं है कि आप उसको ट्राई करो, ये थोड़ा डेंजरस थोड़ा है, तो वो थोड़ा उनको जो पैरट्स वगैरह होते हैं वो ज़रा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेन होते हैं, ये भी ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन इनको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी देख सकते हैं ईगल्स हैं, तो ये मुझे यहाँ की नहीं लग रही हैं, मुझे कोई ये बाहर की लग रही है, अफ्रीका वगैरह ऑस्ट्रेलिया की लग रही हैं, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। परिंदे देखिए ऊपर बैठे हुए हैं, झालियों में है कबूतर वगैरह, बहुत ही अच्छा मंजर है। रैबिट रैबिट रैबिट, कहाँ भाग रहे हो, रैबिट एंड कबूतर, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही प्यारा नेचर है। देखें आप, देखें, देखते जाए बस, हम आगे चल रहे हैं। ईगल, पैरट्स सब आज़ाद हैं, कबूतर सब आज़ाद हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, दे आर इन्जॉइंग, और मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ, अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी बेटी को। और ये मैं इसीलिए आया यहाँ पे कि मैं सर उसको देख लूँ, एक्सप्लोर कर लूँ, और नेक्स्ट टाइम फैमिली को लेके आऊँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फैमिली को ज़रूर लेके आऊँगा। और ये आप देखें, देख सकते हैं माशाल्लाह, सब परिंदे खुश मज़े में, ना इंसानों से ही डर रहे हैं ना कुछ है, सब खुश हैं, हैप्पी। आगे देखते हैं, चलते जाएं मेरे साथ, देखते जाएं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कमेंट ज़रूर करेगा, मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको जितना अच्छा एक्सपीरियंस मैं दे सकूँ, जितना एक्सप्लोर कर सकूँ, आपकी तरफ मैं लाऊँ, ठीक है ना। न्यू ब्लॉगर हूँ, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, इतना व्यूज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे हर चीज़ मेरी इंक्रीज़ हो, और मैं कोशिश आपको अच्छे व्लॉग में आपके बनाऊं। चलिए अभी आगे चलते हैं, हम लोग अभी निकलेंगे, ठीक है। अभी हम लेक व्यू पार्क क्वालिफाई कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा सफ़र था। और अभी आपको कैसर मस्जिद की भी इंशाल्लाह आपको वीडियो हम बताएंगे कि कैसर मस्जिद कैसे बनी थी, क्या है उसका कल्चर, उसका आइडिया सब आपको मिलेंगे, चले आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, हम आपको अभी हमारी व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम और इस्लामाबाद की टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा अपन फैसल मॉस्को का, तो चले अभी हम अब तक के लिए हमको इजाज़त दिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।